न्यू यूट्यूब वीडियो और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है शाम से। और शाम से वीडियो स्टार्ट करने का मकसद ये था, काम वगैरह कर लेती हूँ उसके बाद वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काम तो मैं आपसे शेयर ही नहीं करती। घर की सफाई वगैरह जो होती है वो मैं खुद कर लेती हूँ और फिर बाद में आपसे वीडियो शेयर करती हूँ जो मुझे करना होता है। वैसे मैं ज़्यादा रूटीन नहीं दिखा रही आजकल, आजकल एवरेज आई हुई होती है, अब एवरेज चले गई है तो घर की रूटीन पर आ जाएंगे। और आज की वीडियो मैंने स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि आज आना था बकरा, और बकरा हुआ क्या है, मैं चावल लेने चले गई थी, बकरा आ गया था, तो बकरा आया हुआ था कल से, पर आज मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग तो वो बकरा चले गया, क्योंकि वो है ना घबरा रहा था, यहाँ किसी का घर का पला हुआ था तो उसी को वहीं वापसी दे दिया, ताकि है ना जब ईद पर आएगा तो जब भी कटेगा, और शायद ईद से पहले भी आ जाए, कुछ पता नहीं है, जब आएगा तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और सोचा था बकरे का व्लॉग बनाऊँगी आज, पर ऐसा हुआ ही नहीं। अब देखें क्या क्या होता है क्या नहीं होता, लेसे ही मेरे ब्लॉग में ही आपको पता चल जाएगा। और आप लोग ना वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते मेरे चैनल पे। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और ज़रूर कर दे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनती है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें करें अपने रिश्तेदारों से और अपने नेबर्स से, जिससे भी आप मिल रहे हैं शेयर कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और जो जो होता रहेगा वो मैं व्लॉग में दिखाती रहूँगी। लेट्स सी एंड लेट्स गो। और यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में बनी हुई थी चने की दाल, मुझे पसंद है, बट अभी दिल नहीं कर रहा था तो मैंने कहा चाय ले लेती हूँ, और चाय के साथ कुछ ले लूँगी हल्का फुल्का सा। तो चाय मेरी निकल चुकी है, मैंने निकाल ली और फिर कैमरा बंद कर दिया था, मैंने चाय निकाल ली अच्छे से, और उसके बाद मैं चाय इंजॉय करती हूँ। और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद मैं बैठी थी तो बच्चे आ गए थे बहन के, और बहन भी आई थी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और माजी अशफा मेरे पास रुके हुए थे। तो फिर मम्मी ने ना चाय निकाल ली सब बच्चों की, और सब भी घर में चाय पी रहे थे। शाम में हमारे चाय बनती ही बनती है, और सभी पीते हैं हमारे घर में चाय, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पीता, लाजमी सब पीते हैं चाय, गर्मी हो या सर्दी। चाय लवर कौन कौन है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मुझे भी चाय पसंद है, वैसे मैं दो टाइम पीती हूँ मैं लाजमी, सुबह और शाम, ये तो मस्ट है। तो और यहाँ बच्चे आप लोगों को हाई कर रहे हैं, यशफा एंड माज, और यहाँ वो लोग भी चाय इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद वो मोबाइल लेकर बैठ गए थे, खेल रहे थे, उन लोगों ने इंजॉय किया अपना। और यहाँ बहन मार्केट से आ चुकी थी, और यहाँ यशफा को चाहिए था मोबाइल जो माज नहीं दे रहे थे, माज कह रहे थे मैं देख लूँ, यशफा के लिए मैं देख लूँ, बस इन लोगों का तो फड्डा चलता ही रहना है। तो बस यहाँ मैं थोड़ी थक गई थी बच्चों के साथ खेलते खेलते, और यशफा भी उदास हो रही थी कि मोबाइल दो, और मैं मोबाइल दे नहीं सकती क्योंकि मेरी आईडीज़ वगैरह हैं, तो वो बच्चों को हाथ में भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं देना आजकल, तो मैंने देती ही नहीं हूँ अपना मोबाइल किसी का भी, और किसी और का दे देती हूँ, एक फ्री है मोबाइल वो घर में वो दे देती हूँ, उसमें कोई आईडी शाइडी नहीं है। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा बिल्ली को निकाल दिया था घर से, बट नहीं, बिल्ली को एक दफ़ा कोई घर मिल जाए तो वो वहीं टिक जाती हैं, और हमारी नज़र यहाँ वहाँ जाती है, और बिल्ली हमारे रूम में, खैर अब क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो निकाल नहीं सकते इसको। खैर मैं आ गई रोटी पकाने, अम्मी ने कहा चलो आ जाओ तुम रोटी बना दो, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। मैंने सेटअप लगाया और फिर मैंने पेड़े बनाए, अम्मी ने कहा जितना आटा है उन सब के पेड़े वेड़े बना लो, और मैं आ रही हूँ। उसके बाद मैंने पेड़े वगैरह बनाए और रोटी बनाना स्टार्ट ही कर दी थी, तो फिर अम्मी आ गई, बट मैंने एक रोटी बनाई है वो आप लोगों को दिख रही होगी, और सही बनाई है, मुझे रोटी बनाना आती है पर थोड़ी सी फट गई है, फटती तो सबकी होगी। और फिर सेकंड वाली जो अम्मी ने बनाई थी ना, फिर अम्मी ने कहा तुम हट जाओ तुमने एक बना ली काफ़ी है। उसके बाद ना अम्मी आई, अम्मी ने ना बनाई है एक, अम्मी की भी वहीं से फट गई रोटी। खैर ये तो चलता ही रहेगा, और बड़ा मज़ा आया रोटी बनाकर, पर गर्मी बहुत है और किचन में जाके तो लग पता गया मुझे, मतलब रोटी सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है गर्मी में बनाना, और सालन भी, क्योंकि रोटी का ये होता है ज़्यादा आँच लगती है ना चूल्हे की तो वो मसला होता है, सालन में इतनी लगती पर दोनों में ही मुश्किल है। खैर यहाँ रोटी वगैरह पक चुकी थी, और आप लोगों को दिख रहा होगा मैं रोटी पका रही हूँ आज, काम वगैरह कर रही हूँ क्योंकि मम्मी थकी हुई थी। और आज जिस दिन वॉइस ओवर कर रहे हैं चांद रात है, और मैं आप लोगों को चांद मुबारक ही बोलना भूल गई, अबरी शाही भी थी, मैं बिजी थी, और आप लोगों पीछे सॉन्ग आ गया था तो इस वजह से मैंने कट गया। तो बस यहाँ रोटी बन चुकी, और हाँ मैं बोल रही थी आप लोगों को चांद मुबारक कहना भूल गई। और बस यहाँ हो रहा है टाइम 10 बजने वाले हैं, और बहन भी चले गई थी अपने घर पर, और यहाँ मुझे दिखा चांद,
तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी मुबारकबाद दे देती हूँ और रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ ताकि मैं आपको ईजली चांद मुबारक कह लूँ। और अब तो ईद मुबारक भी एडवांस में आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। और यहाँ देखें ये झाड़ वगैरह सब कट चुके थे, ये रमज़ान में काटे थे और इतने बढ़ गए थे कि हवा नहीं आ रही थी, हवा के नहीं काटे थे, धूप इतनी आ रही है, अब गर्मी इतनी है। चलें और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा रूटीन आप लोगों को शेयर करती जाऊँ। कपड़े धोए थे, मैंने सारे कपड़े सुखाने के लिए लगा दिए रस्सी पर और आप लोगों से भी आज शेयर कर ली ये वाली रूटीन। तो बताइएगा कैसी लगी, अगर आप लोगों को इस तरह से मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर सिंपल सिंपल व्लॉग पसंद है तो वो भी बता दिएगा। और फिर यहाँ ये फिर लाइट चली गई थी, लाइट गई हुई में तो आप लोगों को पता है कोई व्लॉग श्लॉग नहीं बनाया मैंने, और फिर डायरेक्ट मैंने बनाया 12 बजे के करीब। तो यहाँ अब्बू ले आए थे गोला गंडा, क्योंकि कल मेरे को मिला ही नहीं था, मैं रोज़ मंगा रही हूँ, मतलब इतना नहीं, छोटा सा मंगा था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर, क्योंकि बड़ा खाया नहीं जाता। और